मेरे कैंटीन में खाना कैसा होता है, जज मत करना बस, ठीक है? जज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शानदार ब्लॉग में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार नहीं रहता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो ब्लॉग्स हैं वो हमेशा से होते हुए आए हैं शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो जैसा कि विदित है आपको कि अभी हम विदित तो नहीं है, लेकिन हम बता दें पीछे के बैकग्राउंड से आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा, और नहीं भी लग रहा है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम कंपनी है, ऑफिस में थोड़ा सा काम वाम नहीं कर रहे हैं, हम हमारा पर्सनल काम कर रहे हैं, ठीक है? ऑफिस टाइम चालू हो गया है, बट ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, जब कोई बोलेगा तो जब का जब देखेंगे, लेकिन जब तक हम हमारा काम करते रहेंगे, ठीक है ना? और वैसे तो यहाँ पे अलाउ नहीं है शूट वूट करना, है ना? किसी ने बोला तो है नहीं अपने को कि शूट करो या मत करो, बट ठीक है, हम शूट करेंगे जब तक कोई हमें टोक ना दे, और हम टोकने का इंतज़ार करते रहेंगे। जब किसी ने टोक दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं टोका तो हम ऐसे ही शूट करते रहेंगे, समझ रहे हो ना? हाँ, गुड, वेरी गुड। अब तुम लोग तो समझदार हो ही सही यार, तुम लोग समझदार नहीं होंगे तो कौन होगा? अब हमारी कंपनी जिसमें क्या बताएं, अब दो कॉमेडियन है, आर्टिस्ट बड़े, अब कभी ऐसा मौका मिला तो हम आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि वो किस तरह की, क्या बोलते हैं, किस तरह की बकवास हरकतें वो कर सकते हैं। अब शब्द हम नहीं निकालना चाह रहे, लेकिन हमारे मन में इतने सारे आ रहा है, लेकिन कंट्रोल कंट्रोल। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ तो भाई लोग, मैं आपको अभी ना, अभी लंच टाइम हो गया हमारा कंपनी में, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे कैंटीन में खाना कैसा होता है, जज मत करना बस, ठीक है? जज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, ये है आलू की सब्जी, भयंकर, मतलब आलू तैर रहा है, दिख रहा है ना, ये आलू की सब्जी। रोटी बढ़िया है, नो डाउट। और ये है फली की सब्जी, अभी कौन सी फली है मेरे को खुद को याद नहीं, खुद नाम भूल गया हूँ। तो फाइनली ऐसा खाना हमको यहाँ पे मिलता है, जो ठीक है, काम चलाओ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है अभी तो क्यों बताया सर, मिट्टी खुशबू हो रही आ रही है बेमौसम बरसात है, ये होनी नहीं चाहिए बट हो रही है, फसल खराब हो जाएगी, और तो क्या। इतनी खराब रही? हाँ सर, वो क्या बोलते हैं, कीड़े वीड़े लग जाते हैं, वो गीली हो जाएगी ना, फिर सुखाने में टाइम लगेगा, रेम्बो भी दिखेगा सर, थोड़ा थोड़ा सूरज निकल रहा है। इसलिए आज ब्लॉग बन रहा है ना, हेलो, ब्लॉग बन रहा है, इस चक्कर में ये लड़का है ना टी शर्ट बदल के आया है। भाई तुम लोगों को ही पता है ये टी शर्ट मैंने कितने ही ब्लॉग में पहन चुका हूँ मैं, अरे पुराने जितने ब्लॉग्स है ना उसमें कई बार पहनी है टी शर्ट, वो ठीक है। हाँ तो भाई लोग, शाम के कितने, 7-8 बज रहे, और ये अभी चाय बना रहा है सबके लिए, खुद के लिए, सबके लिए क्या, मैं तो कॉफी का शौकीन हूँ, रईस लोग कॉफी पीते हो, बड़े लोग हैं तो फिर छोटे लोग हैं, चाय थोड़ी पी, वही तो मेरे कोई गिनती नहीं है यार, मैं तो चाय भी नहीं पीता मेरे कोई गिनती नहीं है इसमें, तो चाय बना तुम मत टेंशन लेना, तू और रईस हम सबसे, अरे नहीं, अरे हाँ भैया, अरे भैया देसी है ये, देसी ऑफिस में जो चाय मिल जाए बस वही है, देसी है भाई, अपना छोरा देसी है, सीधा दूध पीता है। आज तुम्हारा थोड़ा व्रत कैसे है? मतलब कि अपन इवनिंग में ना, अच्छा एक टाइम खाना खाएंगे, एक टाइम खाना खाते हैं, सेकंड, अरे इसको वो फास्टिंग कहते हैं, अरे मैं तो फास्टिंग बोलता हूँ यार इसको, हाँ फास्टिंग ही है। तो व्रत किसको बोलते हैं? मतलब व्रत, मतलब जैसे कि पूरे टाइम आप एक टाइम पे फलाहार कर लो, तो वो होता है व्रत, और एक टाइम खाना तो इसको फास्टिंग बोलते, मतलब मैं तो फास्टिंग बोलता हूँ, क्योंकि ना कई बार मैं तो मतलब करता हूँ नहीं, जैसे कि 6 घंटे का, सीरियसली, अरे हाँ 6 घंटे का व्रत, 6 घंटे का व्रत नहीं बे अरे यार भाई कंपनी में 8 घंटे ड्यूटी दे रहा है भाई साहब, 6 घंटे से भी आधे टाइम पे वो साबूदाना खा लिया, समझ नहीं रहा तुम, 6 घंटे का व्रत नहीं, वो बोल रहा हूँ कि 6 घंटे आपको खाना है, तू क्यों फ्रेम से बाहर जा रहा है पता लगा कि तू शूट कर ही रहा है, तो 6 घंटे आप खा सकते हो, और वो भी उतना की जितनी आपकी एनर्जी रहे बस,
या फिर टुकड़ों में तोड़ तोड़ के खाओ फिर बस ये है फंडा। अब ये गरीब लोग थोड़ी ना समझेंगे। अरे कहाँ है, हम पापी लोग हैं, हम व्रत उपवास इन सब में मानते नहीं है। जिंदगी दी है, खाओ पियो मज्जा दिलाओ है कि नहीं बाबा? That's my life. स्ट्रीट डॉग को खिलाने के बाद में ना वो जब पूछ हिलाते हिलाते आते बड़ा सही लगता है, फीलिंग गुड।